पेंसिल्वेनिया में आयोजित ट्रंप की चुनावी प्रचार रैली में हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और कई टीवी चैनल इसका सीधा प्रसारण कर रहे थे। रैली के दौरान जैसे ही ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी, सीक्रेट सर्विस के अधिकारी उन्हें सुरक्षा घेरे में ले लिया। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे एक गोली ट्रंप के कान के पास से गुजर गई और वो घायल हो गए। हालांकि उसी जगह एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जरिए सामने आया, जिसमें ट्रंप पर हमला करने वाले व्यक्ति को सिक्योरिटी में स्नाइपर ने मार गिराया। देखने में ऐसा लगता है कि वीडियो भीड़ में किसी शख्स ने बनाया है जो ट्रंप को सुनने वहां आया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर बताया कि पहले तो उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्हें गोली लगी है, उन्हें कान के पास कुछ सनसनाहट महसूस हुई। ट्रंप को यकीन नहीं हो पा रहा है कि अमेरिका में किसी पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसा हमला हो सकता है। ट्रंप ने जब अपने कान पर हाथ लगाया तो उन्हें एहसास हुआ कि खून निकल रहा है, गोली उनके कान को छूकर निकली है। इस दौरान ट्रंप ने जान बचाने के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मैं पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान मुझ पर हुए हमले के बाद से तुरंत कार्रवाई करने के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और समस्त कानून प्रवर्तक एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि सबसे खास बात यह है कि मैं रैली में मारे गए व्यक्तियों के परिवार के प्रति और गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति के परिवार प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे देश में ऐसी घटना हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ रैली में मौजूद एक शख्स ने ग्रेग स्मिथ ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने बटलर काउंटी में कार्यक्रम के ठीक बाहर एक इमारत के ऊपर एक आदमी को रेंगता हुआ देखा था। ग्रेग के मुताबिक संदीप के पास राइफल भी थी। स्मिथ ने कहा, हमने देखा कि एक शख्स हमारे बंगले की इमारत की छत पर 50 फीट की दूरी पर रेंग रहा है। उसके हाथ में एक राइफल थी जिसे स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को उस शख्स के बारे में बताया भी और इशारे से कहा कि उसके पास राइफल है पैच, लेकिन पुलिस इधर उधर जमीन पर भागती रही और ध्यान नहीं दिया। स्मिथ ने कहा कि उन्होंने रैली में मौजूद पुलिस कर्मियों को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि छत पर ढलान के कारण शायद बंदूकधारी को नहीं देख सके। इस दौरान स्मिथ ने कहा कि ट्रंप पर हमला पूरी तरह से सुरक्षा विफलता का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सब देखने के बाद मन में यही सोच रहा था कि आखिर ट्रंप को भाषण देने से रोका क्यों नहीं जा रहा है। इतने में 5 गोलियां चलती हैं और ट्रंप घायल हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।